अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। एनिमेशन सिखा रहा हूँ मैं आज आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो एनिमेशन सिखाएंगे आज हम इसको, क्या जैसे स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक करें तो क्या होगा, हमारा बैकग्राउंड भी चेंज हो और थोड़ा सा उसमें ये वाला अपना फ़ोन का टैग भी इनक्रीज हो के नज़र आए। ठीक है जी, ये वाला आज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे हम इसमें वर्क कर सकते हैं। बाकी इसमें मुख्य चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वो जैसे आपका दिल करे आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए ओपन करते हैं अपने पास सबमेन टेक्स्ट 3 को, जिसके अंदर हम लोगों ने काम करना होता है। ये मेरे पास सबमेन टेक्स्ट 3 ओपन हो चुका है। ठीक है, इसमें ये टेस्ट जावा स्क्रिप्ट, ये जावा स्क्रिप्ट को लाजमी फाइल को डाउनलोड कर लेना आप, कहीं से भी गूगल से इजीली अवेलेबल हो जाती है। कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, ये एनिमेशन है, यहाँ पे आता हूँ और इधर आके हम कहते हैं जी एनिमेट। ठीक है, एनिमेट डॉट एच टी एम एल, इसमें एक टैग बनाएंगे एच टी एम एल का, वेलकम टू द एनिमेशन। ठीक है, इसको एक लिंक करना है हमने, अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो लिंक कर लें एक्सटर्नल सी एस एस के साथ, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। इसी के अंदर स्क्रिप्ट लगाते हैं सबसे पहले, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और एक यहाँ पे रेफरल का, सॉरी इसको हम लोगों ने यहाँ देना होता है एस आर सी। ठीक है, और इसमें बोलेंगे टेस्ट डॉट जावास्क्रिप्ट, ये जो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है मैंने दे दिया। एनिमेट को ओपन करता हूँ अपने पास, अभी तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। बॉडी के अंदर जाता हूँ, इंटरनल सी एस एस यूज करता हूँ, स्टाइल लगाता हूँ और इसको बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में लीनियर ग्रेडियंट बोलते हैं, 190 डिग्री तक इसको मूव करवा के मैं कहता हूँ ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। ठीक है, यह मैंने इसको सेव किया, इधर आए, रिफ्रेश किया, ये हमारे बैकग्राउंड कलर आ चुके हैं। ठीक है, 90 डिग्री के हमने इसको बोला था, ये कलर हमारे पास यहाँ पे अवेल हो चुके हैं। ठीक है, अब इसे आगे कंटिन्यू करना है काम, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले एक तो हम बटन का टैग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट एनिमेशन, रिफ्रेश किया, ये स्टार्ट एनिमेशन का हमारे पास बटन आ चुका है, फिर क्लिक का ऑप्शन दे रहा है। अभी यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे आना मैंने और एक जिप लगाऊंगा, जिप के अंदर क्या बोलेंगे, बोलेंगे अर्शद क्रिएटेड दिस एनिमेशन, क्योंकि मेरा नाम है, मैंने अपने नाम से रेफर कर दिया। इसके अंदर भी एक्सटर्नल वो इंटरनल सी एस एस लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसकी हाइट करता हूँ, मैं कहता हूँ हाइट इसकी होनी चाहिए 900 पिक्सल। ठीक है जी, फिर यहाँ पे हम इसकी हो गया हाइट। अब मैं यहाँ पे इसकी कहता हूँ विड्थ, मैं कहता हूँ इसकी विड्थ होनी चाहिए वो 800 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है जी, ये भी हो गया। और पोजीशन होनी चाहिए एब्सोल्यूट, ये चीज़ें अब हमने इसमें ऐड कर दी है। यहाँ पे आए, ये चीज़ आ चुकी है। हाँ, ये लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है मैंने, तो क्या करते हैं ये चीज़ इसके अंदर भी मेंशन कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं कर देता हूँ, उसको कॉपी बार बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। सॉरी, देखिए कॉपी, यहाँ पे आते हैं ये बैकग्राउंड एब्सोल्यूट के फौरन बाद यहाँ पे मैं करता हूँ उसको पेस्ट, करता हूँ सेव। यहाँ से सिर्फ हमने करने कलर चेंज, या कलर ना भी चेंज करें, 190 है, यहाँ पे 280 करते हैं। तो इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी विड्थ हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, इसकी जो विड्थ है इसको मैं कहता हूँ 400 तक हो जाए और हाइट इसकी 500 तक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, मैं चाहता हूँ अब ये क्लिक हो तो ये साइज़ भी इंक्रीज हो जाए और ये वाला जो लिखा हुआ फॉन्ट साइज ये भी इंक्रीज हो जाए। तो इसके लिए फिर यहाँ पे आते हैं हम, हेड के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने करना है काम जी, क्या काम करना है, डॉलर का साइन लगाना है हमने और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है।
डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट रेडी। जब ये बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि रेडी हो जाए तो एक फंक्शन क्रिएट किया जाए, फंक्शन क्रिएट किया जाए। और वो फंक्शन होना क्या चाहिए बेसिकली, वो फंक्शन स्टूडेंट नेम, इसके अंदर मैं लिखता हूँ फंक्शन। और वो फंक्शन में क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ फिर डॉलोगन साइन लगाते हैं और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो है कि बटन पे, जब बटन पे डॉट क्लिक किया जाए, क्लिक करने से फिर एक फंक्शन क्रिएट हो। और वो फंक्शन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि तस्वीर पिक्चर। ये फंक्शन आ गया, ब्रैकेट इसकी स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं और उसके बाद इसमें एक और ब्रैकेट का इजाफा करना होता है। अच्छा स्टूडेंट, इसके अंदर मैं कर देता हूँ ए बी सी को हम इक्वल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, किसके कर लेते हैं डॉलर साइन, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ किसके, जीप के, जी आई बी, जीप के। ये जो डीप है ना, बार बार इसको हम ये वाली चीज लिखने की बजाय सारी, अब हम सिर्फ ये ए बी सी वहाँ पे लिख देंगे और हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हमें साइन लगाना होता है क्लोज करने के लिए। अब ये चीज़ होगी, अब मैंने आना है यहाँ पे, अब मैं बोलूँगा ए बी सी डॉट एनीमेट, एनीमेट हो। और होना क्या चाहिए, सबसे पहले मैं इसको कहता हूँ कि जब भी इस पर क्लिक हो तो ये लेफ्ट की जानब मूव हो, और मूव होने के बाद ये कितना मूव होना चाहिए, हम इसको कहते हैं जी ये 100 पिक्सल तक मूव होना चाहिए। यहाँ पे आए, ये क्लोज किया, और फिर इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, मैं बोलूँगा स्लो, बिल्कुल ये स्लो वर्क करे, तेज वर्क ना करे। और यहाँ पे आना है, इसको भी साइन लगा दें, इधर भी साइन लगा देना, और फिर इधर भी आके हमें इसको ब्रैकेट के पास साइन लगाना, क्लोज पास में करना होता है, ये साइन को ना लगा के इधर आए, रिफ्रेश किया। अब जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, वो बिल्कुल मूव होगी किसकी तरफ, बिल्कुल 100 पिक्सल की तरफ, पहले यहाँ पे थी, जैसे मैंने क्लिक किया मूव होगी 100 पिक्सल, स्लो लिखा था। अगर 100 आप नहीं लिखना चाहते, कहते हैं 200 हो तो क्या होना चाहिए, 200 तक वहाँ पर मूव हो चुकी, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ भी पेस्ट करता हूँ। मैं अब कहता हूँ कि जो एनिमेट है इसका जो फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट साइज, इसका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि 100 पिक्सल तक इंक्रीज होना चाहिए। और कितना टाइम ले, कम से कम ये 5 सेकेंड का ले जी। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आके देखते हैं जी, इंटर करते हैं, अब इसका साइज इंक्रीज नहीं हुआ, देखते हैं हमसे कहाँ से मिस्टेक हुई है। अगर यहाँ पे फॉन्ट साइज है तो स्टूडेंट, अगर ये इंक्रीज नहीं हुआ तो हमसे थोड़ी सी मिस्टेक है, और क्या है वो ये है कि ये फॉन्ट का जो साइज है ना, यहाँ पे आके एस कैपिटल आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 80 है, 100 है, जितना भी आप करना चाहिए कर सकते हैं। 5 सेकेंड है मैंने बोला, इसको मैं बोलता हूँ कि ये कम से कम 8 सेकेंड में हो। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक, ये देखिए ये इधर आया और ये पिक्चर बड़ी हो चुकी है, इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो चुका है। आई थिंक ये इसका जो है ये वर्क नहीं कर रहा, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, इसके लिए हम इसकी ब्रैकेट्स खत्म कर देते हैं, ये ब्रैकेट भी और ये भी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 8 सेकेंड लेता है या फॉरन वैसे ही हो जाता है, ये देखिए अब इसने लिए 8 सेकेंड ये वाले फॉन्ट एरिया ने बड़ा होने के लिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजिंग रहेगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ, आज के लिए इजाज़त है, हाफिज़। अच्छा यहाँ पे हमने पास्ट बोला था, मैं ऐसा करता हूँ इसी को कॉपी करता हूँ, चेक करते हैं कि ये भी इसके साथ वर्क करता है कि नहीं करता वर्क। जी यहाँ रिफ्रेश किया, अब किया, इसका मतलब ये है कि ये इसी के साथ वर्क करेगा। 8 सेकेंड लेगा वो इस तरफ जाने के लिए, और 8 सेकेंड लेगा वो फिर इसको अपने फ़ोन के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।